बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं एन इलम। वाल्टर लिपमैन ने कहा था, इट रिक्वायर्स विजडम टू अंडरस्टैंड विजडम, द म्यूजिक इज नथिंग इफ द ऑडियंस इज डेफ। अकलमंदी की बात को समझने के लिए भी अकल की जरूरत होती है, और अगर नाजरीन सामईन बहरे हों तो आपकी मौसीकी बेकार जाती है। एक साहिब कहते हैं कि मैंने मियां वाली से फर्स्ट क्लास की टिकट खरीदी, लेकिन ट्रेन तक पहुंचते पहुंचते ट्रेन चल पड़ी, रश बहुत ज्यादा था और बिलाखर मैं छलांग लगाकर एक थर्ड क्लास के डब्बे में सवार हो गया। वहां पे मालूम होता था कि ज्यादातर अनपढ़ लोग हैं, एक जगह पे मुझे सीट मिल गई और मैं वहां पे दुबक के बैठ गया। कोई सब्जी फरोश था तो कोई पहलवान और कोई काश्तकार मालूम होता था, और लोग मुख्तलिफ मौजूआत पे बात करते करते उनकी बात जंग की तरफ निकल गई। याद रहे कि ये जंग का जमाना था और 1965 की भाग भारत जंग जारी थी। बात करते करते एक साहब कहने लगे, हम अनकरीब दिल्ली पे कब्जा कर लेंगे, और दूसरा साहब कहने लगा, आप दिल्ली की कह रहे हैं, हम तो बंबई तक कब्जे करते चले जाएंगे, और एक साहब कहने लगे, बस अब पूरा हिंदुस्तान हमारे कब्जे में आ रहा है। कहते हैं ये बातें मैं खामोशी से सुनता रहा और अपने हाथ में मौजूद एक अंग्रेजी रसाला पढ़ता रहा। इतने में एक साहब जो बर्थ पे बैठे हुए थे वो कहने लगे, बाबू साहिब आप भी तो अपनी राय का इजहार करें। मैंने कहा, इस अंग्रेजी रसाले के मुताबिक पाकिस्तान की फौज बहुत कलील है और इंडिया की फौज बहुत कसीर है, हमारे पास वसाइल की कमी है और इंडिया के पास हमसे कहीं गुना ज्यादा वसाइल हैं, हमारे पास पैसे की भी कमी है और भी बहुत मामलात और मसाइल हैं। अगर जंग ने तूल पकड़ा तो हमारी फतह मुश्किल में पड़ जाएगी। बस ये बात सुनना थी कि बर्थ पे साहिब जो मौजूद थे वो पैराशूट की तरह छलांग लगाते हुए नीचे आए और अपने मुंह से जो पान की पीक थी मेरे ऊपर थूक दी। एक दूसरे साहब ने मुझे कॉलर से पकड़कर झंझोड़ना शुरू कर दिया, और एक साहब ने कहा, बेगैरत तू बदखा है। किसी ने कहा, जसूस है, पकड़ लो पकड़ लो, और मुझे थप्पड़ पड़ना शुरू हो गए। इतने में किसी भले मानस ने जो है ट्रेन की ब्रेक्स खींच दी, पुलिस आ गई और उन्होंने आके मुझे अरेस्ट कर लिया और मुझे अगले डब्बे में ले गए। वहां पे एक डीएसपी साहब ने मुझे इससे कुछ सवाल जवाब किए और उन्होंने मुझे वहीं फर्स्ट क्लास के डब्बे में मेरी सीट पे बिठा दिया और मुझे देखते रहे। जब मेरा स्टेशन करीब आया तो वो डीएसपी साहब कहने लगे, मियां ये मेरा तौलिया अपने सर पे लपेट लो, जो ही ट्रेन रुके रुकने से पहले ही छलांग लगा जाना और भागते भागते स्टेशन से निकल कर कोई सवारी ले लेना और लोगों की नजरों में ना आना, वरना ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। और जब मैं ट्रेन जब रुक रही थी और मैं छलांग लगाने की तैयारी कर रहा था तो मैंने शुक्रगुजार नजरों के साथ उन डीएसपी साहब की तरफ देखा तो वो कहने लगे, एक बात जिंदगी में याद रखना, जो बातें फर्स्ट क्लास की होती हैं वो थर्ड क्लास में नहीं करते। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।